हेलो स्टूडेंट्स, आज के अकाउंट्स के इस लेक्चर में देखते हैं कि जब डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे दोनों के बुक्स में। तो अभी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू पी ऑन 1/9/21 एंड ड्रू अ बिल फॉर द अमाउंट ऑन हिम ऑन 6/9 विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न फॉर 3 मंथ ऑन 10/10 बी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे कुड बी रिकवर्ड। तो अभी सबसे पहले ए के बुक में आते हैं, जर्नल लिखते हैं 1/9/21 को तो बीज अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल लिखा गया 6/9 को तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख टू बीज अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय। अभी 10/10 को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, 50 पैसे उसने दिया तो 1 लाख का 50 पैसे 50,000 आएगा। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग 50 पैसे रिकॉर्ड ऑफ बिल फ्रॉम बी। बी के बुक में आते हैं तो 1/9 को परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर इसने 6/9 को बिल साइन किया है एज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1 लाख बीइंग गुड्स सॉरी बिल साइन 10/10 को उसने 50 पैसे देके हाथ ऊपर कर दिए तो अपने बुक में क्या लिखेगा वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश 50 दिया 50 नहीं दिया तो वो अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेगा, ये उसके लिए प्रॉफिट है क्योंकि वो 50,000 उसने दिया ही नहीं। बीइंग
50 पैसे पेड ऑफ बिल। तो इस तरह से जब भी जिसको पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेब्ट्स लिखेगा, उतना उसका लॉस है डेबिट करेगा, और जो पैसा नहीं देता है उसको प्रॉफिट है तो वो क्या लिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देगा। 12th में आके देखोगे तब आपको ध्यान आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है।